गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स. आज हम आपको क्लास थर्ड हिंदी व्याकरण चैप्टर 6 वाक्य के बारे में बताएंगे. पहले हम आपको यह बताएंगे कि वाक्य क्या है. शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है. देखें, घर चल, घर प्लस चल, घर चल. नीतू पुस्तक पढ़, नीतू प्लस पुस्तक प्लस पढ़, नीतू पुस्तक पढ़ें. यहाँ ये अलग अलग शब्द हैं, इनको तीनों को एक साथ मिला करके वाक्य बना दिया गया है. अब समझें, आप पिछले पाठों में वर्ण पढ़ चुके हैं, वर्णों के भेद से शब्द बनाना भी सीख चुके हैं. अब ऊपर दिए चित्रों को ध्यान से देखिए. अब उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए. पहले नंबर में आपने देखा कि आपके पास दो चित्र हैं, एक के नीचे घर लिखा है और दूसरे के नीचे चल लिखा है. यदि हम इन दोनों शब्दों को जोड़ दें तो हमारे पास घर चल आ जाता है. बच्चों, जब हम शब्दों का सही मेल करते हैं तो उसे वाक्य कहा जाता है. इसे आप दूसरे नंबर में बने चित्रों तथा शब्दों को देखकर भी समझ सकते हैं. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जिस प्रकार वर्णों का सही मेल ही शब्द कहलाता है, उसी प्रकार शब्दों का सही मेल वाक्य कहलाता है. इसे समझने के लिए नीचे लिखे वाक्य देखिए. बच्चा है सोता. आपने चित्र देखा और आगे लिखे शब्दों को पढ़ा. इन शब्दों के मेल को हम वाक्य नहीं कह सकते. यहाँ शब्दों का मेल सही नहीं है. अब हम सही जगह पर सही रखकर इन्हीं शब्दों से वाक्य बनाते हैं. बच्चा सोता है. इस वाक्य में शब्दों का सही मेल है, अतः यह वाक्य है. अब सीखें. अब हम कह सकते हैं कि शब्दों के सही मेल को ही वाक्य कहा जाता है. आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं. आओ सीखने और समझने के लिए कुछ और वाक्य बनाते हैं. राहुल प्लस दौड़ता प्लस है. राहुल दौड़ता है वाक्य है. अमन प्लस पतंग प्लस उड़ाता प्लस है वाक्य है. अमन पतंग उड़ाता है. बच्चे प्लस प्रार्थना प्लस करते प्लस हैं. बच्चे प्रार्थना करते हैं. आपने सीखा पहला, वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है. दूसरा, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है. तीसरा, वाक्य से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं. अभ्यास देखें क्या सीखा. बताइए क्या है क. का एक वर्ण है. दूसरा, करीना. करीना एक शब्द है. तीसरा, करीना पाठ पढ़ा वाक्य है. खेल खेल में. नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों को सही जगह रखकर वाक्य बनाइए. दाना प्लस है प्लस चुगती प्लस चिड़िया वाक्य है. चिड़िया दाना चुगती है. प्लस होती प्लस वर्षा वाक्य है. वर्षा होती है. माँ प्लस बनाती प्लस खाना प्लस है. माँ खाना बनाती हैं. इस चैप्टर के प्रस्तुतता की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी. आज की कक्षा बस इतना ही. धन्यवाद.